नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, नवरात्रि चल रहा है और जैसा कि बहुत पहले हमने चर्चा की थी कि नवरात्रि में हम ध्यान का शक्तिपात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो शक्तिपात चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कक्षा के विद्यार्थी भी हैं, जो रेकी हीलिंग, लामा फेरा और अन्य विधाओं को सीख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी विधाओं को सीखना अभी नहीं चाहते, लेकिन वो ध्यान तो सीखना चाहते हैं। ध्यान के बारे में कितनों ही वीडियो हमने बात करी है और बहुत कुछ आप वैसे ही जानते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा से ध्यान के लिए गुरु द्वारा अपने शिष्यों को शक्तिपात दिया गया है। तो शक्तिपात रेकी हीलिंग के द्वारा हम ध्यान का आपको दे रहे हैं इस नवरात्रि पंचमी में। नवरात्रि के पाँचवें दिन सुबह के 6 बजे मैं आप सभी को ध्यान का शक्तिपात दे रहा हूँ, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे दिए हुए नंबरों पर आप व्हाट्सअप करके अपना नाम और जन्मतिथि लिख करके भेज दें, जिससे आपका समय सुबह 6 बजे आपके नाम के अनुसार हम आपको शक्तिपात देंगे। यदि किसी कारण से आप कोई भी हमें एनर्जी एक्सचेंज जिसे कहते हैं, कोई दक्षिणा अगर आप हमें देना चाहते हैं, तो दक्षिणा स्वरूप आप हमें जो चाहे दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ ना भी दे रहे हैं तो भी नवरात्रि के पांचवें दिन शक्तिपात के बाद एक गाय को भोजन कराएंगे, चारा खिलाएंगे, या तो घर से बना हुआ खाना खिला दीजिए या तो चारा खरीद कर चारा खिला दीजिए। और आप चाहे मुझे कुछ दें या ना दें, आप गाय को ज़रूर देंगे। एनर्जी एक्सचेंज में अपने द्वारा इस यूनिवर्स को, इस परमात्मा को आपको कुछ तो लौटाना ही पड़ेगा, ताकि जो ऊर्जा आपको मिली है उसके बदले वो शक्तिपात पूरा होगा। ध्यान का शक्तिपात गुरु शिष्य परंपराओं में बहुत समय से चला आ रहा है, जिससे आपके सहस्त्रार चक्र पर आपके जो गुरु हैं, पुरुष या वह इंसान जो ध्यान साधना कर रहा है, किसी भी विधा को वो जानता है, जैसे रेकी हीलिंग, लामा फेरा, कलर थेरेपी, प्राणिक हीलिंग, एंजल थेरेपी, ये सारी विधाओं को हम जब सिखाते हैं, तो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास बहुत लंबे से कोई इंसान किया होता है, तो अपने पूरे ज्ञान को एक प्रकाश, एक ऊर्जा के माध्यम से वो किसी के सहस्त्रार चक्र पर उसका एक अंश डाल सकता है, बीज स्वरूप। जैसे एक बड़े पेड़ में फल होता है, उससे बीज निकलता है, और वो बीज किसी और गमले में या किसी मिट्टी में डाल दिया जाए तो वो बीज फूल करके फिर से एक पौधा बन करके एक पेड़ बनता है। तो शक्तिपात एक बीज है। वैसे ही जो इंसान बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहा है, वो वृक्ष बन चुका है, तो वो वृक्ष का एक बीज जब आपके सहस्त्रार चक्र में गिरता है तो धीरे 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 आपके मूलाधार चक्र में पहुँचता है, और ये ऊर्जा धीरे धीरे उठकर आपके अंदर ध्यान की ऊर्जा को पैदा करती है। तो अगर आप ध्यान करने में बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं और अभी भी असक्षम हैं, अभी भी ध्यान को ग्रहण नहीं कर पाते, ध्यान को अभी भी ध्यान में उतर नहीं पाते, आप स्थिर नहीं हो पाते, तो ध्यान का शक्तिपात ज़रूर लें और इस मौके का लाभ उठाएँ, है ना। इसके लिए कुछ भी, कहीं भी कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए प्रक्रिया केवल ये होगी बेटा कि आपको 12 घंटे का उपवास रखना होगा। शाम 6 बजे से पहले पहले आप खा लेंगे एक दिन पहले, और अपने आप को पूरी तरह से खाली रखेंगे, भूखा रखेंगे, एक वस्त्र, साफ सुथरा उजले रंग का वस्त्र, और एक आसन, और एक पानी का बर्तन। पानी का बर्तन जो शक्तिपात से पहले पानी आप ग्रहण करेंगे प्रार्थना करके, और सहज सरल वस्त्र पहन करके, ढीले वस्त्र पहन कर अपने आसन में, ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो वज्रासन हो, या फिर जो आसन आपको कंफर्टेबल लगता है। कुछ लोगों के पैरों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, तो कुर्सी में भी ऐसे बैठ सकते हैं, है ना। अर्ध सिद्धासन अगर लगा पाए, जैसे कि मैं हमेशा अर्ध सिद्धासन लगा करके बैठता हूँ, चाहे इस पैर से चाहे उस पैर से, वो लगा करके बैठ सकते हैं। इस तरह से आप अपना ध्यान का शक्तिपात ले सकते हैं। शक्तिपात लेने के बाद आपको क्या करना है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शक्तिपात लेने के बाद आपको रोज उसी समय पर अगले 11 दिन से 21 दिनों तक ध्यान करना है, और जैसे ही आपको लगता है कि ध्यान में आपकी पकड़ आ गई है, तो आप अपना समय बदल सकते हैं, अपने समय को बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या फायदे होंगे इसके। जब भी आप किसी एक चीज पर ध्यान लगाते हैं वहाँ ऊर्जा बहनी शुरू हो जाती है, और जहाँ ऊर्जा बहती है वो बात, वो सोच, वो विचार सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। तो आप किसी के सेहत को ठीक होने पर ध्यान लगाएंगे, उसकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। किसी के रिश्तों को ठीक करने में ध्यान लगाएंगे, उसके रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपके हों या किसी और के। चाहे अपने धन संपत्ति, अपने बिजनेस पर ध्यान लगाएंगे, वो बिजनेस फलने फूलने लग जाएगा। तो जिस दिशा में भी आप ध्यान लगाएं, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, वो फलने फूलने लग जाएगा। इसलिए भी यह इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान का शक्तिपात लेने के बाद आपका ध्यान सदैव सकारात्मक दिशा में हो, क्योंकि नकारात्मक दिशा में भी आप सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अपने ध्यान को अपने वश में लाना बहुत आवश्यक है। इसलिए धन के शक्तिपात के बाद अगले 11 दिन से 21 दिन आप उसी समय पर रोज़ ध्यान करेंगे। आशा करता हूँ ये ध्यान का शक्तिपात जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।